तेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, उन प्रबल सुखों में गिरा है। गुरुदेव उपाय ही अब हो, यह चित्र प्रफुल्लित हो जावे, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुपत चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे का नाम चले अपना। आज का फर्स्ट एपिसोड है, वो फर्स्ट एपिसोड ये है कि भगवान दशरथ ये सोचकर बहुत उदास हो रहे थे कि हमारे परिवार में क्या कोई संतान जन्म नहीं लेगा, तो अपने गुरुवर से जाके मिलते हैं। तो उनके गुरुवर ने उनको सलाह दी कि आप जाइए और आप यज्ञ करवाइए, और वो यज्ञ ऋषि संघ मुनि से करवाइएगा, तो आपके घर पुत्र की प्राप्ति होगी। आप यही पाठ आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके क्या होता है, तब यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ करवाने के बाद उनको एक प्रसाद ग्रहण कराते हैं। वो प्रसाद सबको स्त्रियों को देने के लिए कहा जाता है और वो देते हैं, जिससे उनको संतान की उत्पत्ति होती है। ये पाठ हम आपको दिखा रहे हैं। हे राजन, यदि पुत्र की ही इच्छा है तो उसके यज्ञ की तैयारी करो, और इस यज्ञ के ज्ञान श्रृंगी मुनि को बुलवाना होगा। अब राजा दशरथ ऋषि संग मुनि को स्वयं बुलाते हैं और यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं। स्वाहा श्री अग्नि देवता भ्यो नमः, स्वाहा श्री ब्रह्म देवता भ्यो नमः, स्वाहा श्री लक्ष्मीपति देवता भ्यो नमः, स्वाहा श्री शंकर देवाय नमः, स्वाहा। मेरे द्वारा पाए चतुरानंद ने भिजवाया है यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। हे राजन, तुम जाकर इस फल को जिसको जैसा उचित हो उसी प्रकार सभी रानियों में बांट दो। संतान प्राप्ति के लिए जो आशीर्वाद के रूप में प्रसाद मिला था, वो राजा दशरथ ने तीनों रानियों को ले जाकर वो प्रसाद दे दिया। रानियां प्रसाद खा रही हैं। अब इसके बाद प्रसाद खाने के बाद अगला पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये रामायण बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग लगातार बने रहिएगा इस रामायण पाठ पर। हाँ, तो हम दिखाते रहेंगे। और हमें भी आज पहली बार मौका मिला है कि हम रामायण को शुरू से जाने समझें, तो इस रामलीला मैदान पे जो कि कमौली गांव, कमौली गोपालपुर चिरई गांव के पास पड़ता है, वाराणसी में है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे रहते हैं इस समय, तो हम यहीं पर रामलीला देख रहे हैं। उस समय श्री पिताजी राजा मनु और आठ शत्रुपा के नाम से विख्यात थे। आप और श्री पिताजी ने नैमिषारण्य में घोर तपस्या की थी और पुत्र के रूप में मुझे मांगा था, तो मैं प्रसन्न होकर
आपके सामने प्रकट हूँ। हे माता जी, यह बात आप किसी से कहना मत। माता के यहाँ लड़का पैदा भयल ओकर बार बनावे के हो। खंगाल में कंबल दिया हुआ रे। अरे राजा दशरथ के घर लड़का पैदा भयल हो। अरे लालचंद के खंडाल में कंबल जिंदा हुआ रे। अरे तेग नाल लगा घरे से और कर के हाँ? पहले यहां लेके इधर पे वाला लगा ये कल देखे पहले नहीं देखवा का और देखा कान कौन नाव बुला दिए हो चमका था यही से जवान के भेजले होता अगला बुढ़वा लोग बना रे जल्दी बना लूंगा। संभाल के हुआ चमका था हमके दुर्वा से। अरे हमने तेरा जल ले बांध लग ना नहीं बना बना बेइज्जती मत कराओ। ये इला बड़ा पहलवानी दिखावत रहला हा। तू अब आज कहाँ देखला कहाँ देखली है देखा कहीं हाँ हाँ कहीं पर नहीं बर करल जाला चार में से तू ये का बनल अब बाल ना बनी चल जी घरे कहाँ नहीं जिंदगी चल जाए जिंदगी चल जाए अब जिंदगी कहाँ चल जी बहुत बात है नल्ला अरे तो ना मारे तो नाने बोली लगा हमने कहीं थे मारे का करे बनावड़ी देख के तो ही लगता क्या बनावा हिम्मत करके बनावा अरे हिम्मत तो खत्म हो गला जो जल्दी बना न हुआ जो बेइज्जती ना होए के चाहिए।
अरे सुन यहाँ, अरे खाली बरवा बनी कि पैसा दान दक्षिणा भी मिली। अरे के बात याद रहो सब कहाँ गिना ला पैसा वाला कबो करा कबो पैसा लग ना के लिया अरे लगा कुछ और खाए ला के लिया आपका अरे लगा तू हवा के पहले बताइया ना बताइया नहीं पैसा वाला नाम रखा पहले ढाल से कोई बनावा बाहर बन कर बाहर बन कर जा पहले सर की मुद्रा लेके आवा जा लगवा है नहीं जा पहले लेके आवा तू राजा के महल में बोलेला चमकत रहा ले हमार नाव कैसे कैसे बनेले जा अरे बनावा इतना मिली को ढोक न ले जा पिया नहीं तू चले नाम कौन के रखे के क्या बनावा जो जो अरे बांगा कैसे बनी का बनी मुंह पकड़ ले बना बना बनावे का नहीं हमार ना बनावे हां क्या दे दे थोड़ा ना बना थोड़ा बना दी नहीं लग दे बार बार बना देला तो महल में से बोलीबा कोई के अब लेके लोग चल जाते हैं यहाँ से ये कहाँ देख हुआ तू ये कहाँ देख हुआ काला की जोरा महल में चले के हाँ महल में यह मिला ला का पता कि ऐसे चार दिन वाला आदमी अरे महल में यह मिला ला बच्ची धोखे लेके जा सोचले भी नौ बात ना कितना कीना सवेर हो जाएगी सवेर हो जाएगी कीना पीने कीना नहीं 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 इतना से ना हो इतना आज तक कोई इतना से ना खड़ी आई महल में आ गई अल्लाह का पैसा आई हो ये महल में ना हो इधर इतना से ना पति के हाँ मिल जाना मान के इतना को परवाह और मिली अरे ना निकालिए का बोलोगे बाटी हो तुम ते बड़ा भिखारी तू हुआ अरे अरे देखा यह तो लिया गया है कि चना महल में चले के आई यह खाली मिला था अमान के हर रुपया दो पैसा अरे तीन की हर पांच छह रुपया तो महिला हुआ जनवा रवाज रुपया रवाज रुपया है ना हाँ चलाने के बस बस उतने सर्वे करें अगले साल तो कब लेंगे ना ये महल में हवा नहीं बोला कर जाई अच्छा अगले साल जवान ना होइए तू ओहा पति पति नामकरण कीजिए यहाँ पर गुरुवर सभी बच्चों का चारों बच्चों का नामकरण करेंगे गृह काज जोग तिथि जन्म लगन सब मायने बात विचारी है इनके प्रेमान अनंत विपत ये अस्तित्व तेरे अवतारी है जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख कर सुप्रद है उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम अति सुंदर है कह के सुत है विश्व हर रखता है भरत नाम उनका जब को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उनका दो सुत है मात सुमित्रा के शत्रुहीन दिल कहलाएगा लक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा हे राजन तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। इधर प्रभु राजमहल में पल रहे थे और उधर जंगलों में ऋषि मुनियों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा था। सब राक्षसगण उनको तप नहीं करने थे, पूजा पाठ नहीं करने देते थे। तो लास्ट में ऋषि मुनि ने राम और लक्ष्मण भगवान रूपी राम और लक्ष्मण को अपने यहाँ लाने का विचार बनाया और उन राक्षसों का नाश करने के लिए। तो देखते हैं वीडियो। Hey!
और संत जी इस समय राजा दशरथ के दरबार में आ चुके हैं और अपना विचार प्रकट करेंगे जो उनके मन में चल रहा है राम और लक्ष्मण के लिए। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए लगातार, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम पूरा पार्ट आपको दिखाने वाले हैं रामायण का। जो भी यहाँ पे रामलीला चलेगा हम पूरा आपको दिखाएंगे। हाँ अपने ध्यान दें, अभी अभी इस प्रकार कृपा आपने तो कभी नहीं की, आज इस कारण से आपका आगमन हुआ है। कहिए मैं उसे पूरा करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ की यदि उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार सब खंडित है, फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, यह पर भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अपना यहाँ घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौ मुझे कुछ दिशों को, तुमको है इसमें पुरुष कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पल्ले चार पुत्र पाए हैं, आपने बात विचार कर नहीं कही है। हे मुनिनाथ, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं उसे हर्षपूर्वक दे दूंगा, परंतु मेरे सभी पुत्र प्राणों से भी प्यारे हैं, उनमें भी हे मुनिनाथ राम और लक्ष्मण तो देते नहीं बनता, क्योंकि कहां अत्यंत डरावने राक्षस और कहां परम किशोर अवस्था के मेरे राम। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी यदा मेरे लो राज ताज संपत्ति देना, यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन सा सत्य है, पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सुख चारों चौथे पन के हैं, फिर राम सदा सुख धाम मेरा कब उसका विरह गवारा है, जब घर का वही चांदनी है जीवन का वही सहारा है। तो कितने बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है, उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अर्चन, कुछ दुन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विश्व से कहता मैं चल देते छोड़ गरुण वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता भी उनका आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पूर्ण कार में पाप हुआ। तू इनसे कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि है, किसी बात का सोच न कर, एक तेरे उगल कुमारों को
रोज विद्या धर्म सिखाएंगे। हरचंद विचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। राम और लक्ष्मण यहां आओ, तुमने मुनि जी के साथ जाकर विद्या भूम करो। हाथ में इनका हाथ ना, यह दोनों भोले भाले हैं, यह कितना याद रहे भगवान मेरे ना जो के पाले हैं। पिता की आज्ञा पर राम और लक्ष्मण धनुष विद्या लेने के लिए मुनि के साथ उनके साथ जंगल में चल दिए। आगे आगे मुनि और पीछे राम और लक्ष्मण थे और आंखों में घर की याद लिए हुए चल दिए थे। आंखों में आंसू थे। इधर दानव दल में भी राम और लक्ष्मण के वहाँ जाने से बहुत ही जंगल में शांति हुई और दानव दल का आक्रमण धीरे धीरे कम हुआ। स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण की बहुत धीरज से आपके चरण कमलों की धूल जाती है। और इधर जंगल में श्राप और अहिल्या बनी पत्थर अब प्रभु के चरण स्पर्श से ही अपने रूप में आ जाती है। देख सकते हैं आज का समाप्त होता समाप्त और देख पा रहे हैं अब इधर आरती हो रही है और हम दिखा दे रहे हैं। देखिए पूरा म्यूजिक टीम है जो कि यहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रही है, गाने में लगातार बैठे लगातार गला से आवाज निकालते हुए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सभी बड़े भाई बंधु लोग। तो आज रामायण का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो जय दोस्तों, जय श्री राम। लखन लाल की।